डभोई एसटी डेपो से नकद 1 लाख रुपए की चोरी की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा डभोई डेपो मैनेजर तथा पुलिस थाने दर्ज करवाते हुए सनसनी फैली है। वडोदरा शहर जिला सहित तालुका में बढ़ रही चोरी लूटफाट की घटना अंतर्गत अब लुटेरी टोली काफी सक्रिय बनी है, जहां निर्दोष लोगों की जान के बाहर ये इस प्रकार की टोली द्वारा नकद रुपए सहित उनके कीमती सामानों की चोरी और लूट को अंजाम दिया जा रहा है। जहां डबोई एसटी डेपो से भी नकद 1 लाख रुपए की चोरी की घटना प्रकाश में आते हुए पुलिस द्वारा इस संदर्भ में सघन तहकीकात का दौर जारी किया है। डबोई एसटी डेपो से वडोदरा जाने निकले वैसे यात्री की लड़की के पर्स से नकद 1 लाख रुपए की चोरी की शिकायत पुलिस थाने दर्ज होते हुए स्थानिक विस्तार में हलचल मची है, जहां मिली खबर के आधार पर डबोई के वडोदरी भागोल विस्तार में रहते चांदबाई पांचीगर अपने परिवार के साथ वडोदरा जाने निकले थे। दौरान उनकी लड़की के पर्स से 1 लाख रुपए की चोरी होते हुए परिवार में मानो गाज गिरी हो वैसे हालात बने थे, जहां पीड़ित परिवार के मुताबिक उनके लड़की के पर्स से करीबन 60 वर्षीय महिला द्वारा इस प्रकार की चोरी की घटना को अंजाम देने की आशंका जताई गई है, जहां इस संदर्भ में डेपो मैनेजर को शिकायत करते हुए एसटी डेपो में लगाए गए सीसीटीवी कैमरा के जरिए जांच करने की मांग की गई है। तो वहीं ये भी ताज्जुब की बात है कि डब्ल्यू एस डेपो को अद्यतन बनाने के बावजूद यहां पर लंबे वक्त से सीसीटीवी कैमरा शो पीस समान बन चुके हैं। बार बार होते इस प्रकार की असामाजिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए एसटी डेपो विभाग द्वारा अभी तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा की मरम्मत कामगिरी नहीं की गई। ऐसे में चोर लुटेरे बदमाशों को अपना रास्ता काफी आसान बना है, जहां 1 लाख रुपए नकद की चोरी की शिकायत अंतर्गत डबोई पुलिस थाने शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस ने इस संदर्भ में तहकीकात का दौर जारी किया था। गई काले मैं मारी बेबी ने मारी पत्नी हमें वडोदरा जाता था, जरा वडोदरा की बस में मारी बेबी ना हाथ में बेग थी, एम 10,000 रुपया कोई चोरी लीधा। अमे वडोदरा गया तरह अमने जाण थी कि आ पैसा नहीं, तो अमारे ध्यान में आयो कि त्या एक बहरी धक्को मारीने नीचे उतरी गई थी। तो अमे पुलिस स्टेशन में जाइने भाई रिटर्न आया तो पुलिस स्टेशन में जाइने जाण करी थी। त्यां थी पछी डेपो मैनेजर पास गया, एमने सीसीटीवी माटे अमने कीधुं कि बधा कैमरा बंद है, एनी अरजी आपेली छे। अमे तो अहींया अमने एवुं लागे छे कि कोई गेंग सक्रिय छे एवुं लागे छे। आना पहेला भी बधी 3-4 चोरीओ थई चूकी छे, हवे आ तो आजे चोरीओ थई, काले उठीने कई मोटो बनाव बन्यो तो कोनी जिम्मेदारी? अमे डेपो मैनेजर ने मळ्या, एमणे कीधुं कि कैमरा बधा बंद छे, चालू થશે, ઉપર જવાબ માંગ્યો છે, એવા જવાબો મળ્યા છે અમને। એટલે અમે એવી ભલામણ કરીએ છીએ કે ભાઈ આ બધું કમ્પ્લીટ થાય, કેમેરા ચાલુ કરે અને ચોર પકડાય, બસ એ જ વિનંતી છે। હું ડેપોમાં જે ડભોઈ જણાવું છું કે ડભોઈ ડેપોના સ્ટેન્ડ પર સીસીટીવી કેમેરા ઘણા ટાઈમથી બંધ છે અને આની રજૂઆત જિલ્લા અધિકારીને શ્રી જાણ કરેલ છે કે આ દિવસે ચાલુ થયેલ નથી। અહીંયા દિન દિન પ્રતિદિન ચોરી અને ખિસ્સાખાતોનો ઉપદ્રવ વધારે થવા પામેલ છે, તો આ કેમેરા વહેલી તકે ચાલુ કરવા આપ સાહેબને વિનંતી છે।